कुछ तो कोई नहीं है, बस एक दो गालियां निकालते हैं हुकूमत के लिए, क्या कर सकते हो। और आवाम बायकॉट तो करे, आवाम भी तो हमारी भरवा रही है, देखो पेट्रोल लगे हुए। ये लोग पेट्रोल 2 रुपए सस्ता करते हैं, 50 रुपए बढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा भी है, क्या है पाकिस्तान है क्या है, क्या करे। साबका हुकूमत ने जो इतने गन फैलाई हुई थी, ये उसका ही बोझ आवाम के ऊपर आ रहा है। पाकिस्तान चल नहीं रहा, घिसट रहा है, और लोग जो है हम घिसट रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मरियम नवाज को आप देख लो, ये सारे बिलावल को देख लो आप, सारे के साथ काफी ले जाते हैं, सबका पेट्रोल फ्री है, इनके भी खत्म करे। आवाम के आंसू को इमरान खान देखेगा, वही देख रहा था। ये लोग पेट्रोल 2 रुपए सस्ता करते हैं, 50 रुपए बढ़ाते हैं, लेकिन अच्छा भी है, ये क्या है पाकिस्तान है क्या है, अब इनको क्या बोले बंदा, कहाँ से हम लोग अभी बिल भरे या बिजली भरे या क्या करे, जाना माना नहीं क्या किया, सारे जो है ना चोर है, बस चोर सारे चोर। भाई आवाम को अलर्ट नहीं होना चाहिए, आवाम को डलवाना ही नहीं चाहिए, आवाम बायकॉट तो करे, आवाम भी तो हमारी भरवा रही है, देखो पेट्रोल रश लगे हुए। अभी न्यूज़ आई है, बता रहा है कि पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, ये जब सुबह आ रहा था वहाँ से, तो बात यही है आवाम हमारी इतनी पैनिक हो जाती है, भाई नहीं डलवाओ यार, कोई मसला नहीं है, इनको बायकॉट करके तो देखो। इन्होंने आपको ये वाजे करा है ये डाल के माई फुट, आप ऐसी की तैसी में जाओ, जब हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पहले ये होता था कि रात की तारीकी में बढ़ा दिए, अब तो उसने दिन दिहाड़े आगे बढ़ाए, डाका डाला है उसने, कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो उसका। सर यही कहना चाहेंगे कि बस 5-10 रुपए कम करते हैं तो थोड़ी तसल्ली मिलती है कि कम हुआ है, थोड़ा आवाम में वो होता है, लेकिन जब बढ़ाने पे आते हैं तो 20-25 रुपए बढ़ा रहे हैं, मतलब हद करके रखी हुए इन लोगों ने, मतलब ये तरीका ही नहीं है कोई बस। ये तो बस अभी भिक मंगा वजीर आजम है, अल्लाह इसको हिदायत दे, अल्लाह खैर से इमरान खान को ले आया कि हम लोगों के सिस्टम ठीक हो जाए। कुछ तो कोई नहीं है, बस एक दो गालियां निकालते हैं हुकूमत के लिए, क्या कर सकते हो, और दिल्ली दिल में गालियां देते और क्या कर सकते हैं, बाकी कंट्री की जो कंडीशन है इस वजह से सब खामोशी है, क्या करे। साबका हुकूमत ने जो इतने गन फैलाई हुई थी, ये उसका ही बोझ आवाम के ऊपर आ रहा है, वरना तो जाहिर सी बात है आपको भी याद होगा 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 तक पेट्रोल जो है वो 86 पे भी आया, 66 पे भी आया, बिल्कुल खुश तो नहीं है, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, 4 साल की जो गन मचाई है एस्टेब्लिशमेंट ने भी सब ने, तो क्या कह सकते हैं। आवाम के आंसू को इमरान खान देखेगा, वही देख रहा था भाई, ये लोग तो अपनी जेबें भरने आए, अपने अकाउंट भरने आए, भर रहे हैं, क्योंकि इनका आखिरी वक्त चल रहा है, तो जाहिर है अब जाते जाते जितना माल आ जाए उतना अच्छा है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जाहिर ऊपर भी भेजना होता है भाई, तो वहाँ भेजेंगे, थोड़ा सा अपने पास भी आएगा। आवाम का सोचने वाला एक ही शख्स था जिसको इन लोगों ने सबने मिलकर साइड कर दिया, तो आप दुआ करें कि वो आ जाए भाई। मैंने तो नाम ले दिया, नाम लेने पे ही पाबंदी है, कासिम के अब्बा बोल देता हूँ। चलो भाई बहुत महंगाई हो गई है, और ये जो 20 रुपए का इजाफा है ये सिर्फ पेट्रोल पर नहीं है, ये सारी चीजों पर है, राशन पर, तेल पर, आटे पर। आवाम ये करेंगे सैलरियाँ वहाँ की वही हैं और हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब यूनिवर्सिटी जाना है, इसके खर्चे फीसें हैं, अब एक सैलरी में बंदा किस तरह मैनेज करे, अपने खर्चे करे या पेट्रोल के खर्चे करे। पाकिस्तान चल नहीं रहा, घिसट रहा है, और लोग जो है हम घिसट रहे हैं बस, और कुछ नहीं, कोई नहीं सोचेगा, आवाम आवाम का सोचने वाला कोई भी नहीं है। कहते हैं कि आवाम खुद ऐसी है, जब आवाम बिगड़ जाती है तो अल्लाह ताला जो है जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देते हैं, तो हमें खुद पहले जो है वो सुधरना चाहिए। तो सारे को मिलता है ना, इनको खुद का मिलता है, मरियम नवाज को आप देख लो, ये सारे बिलावल को देख लो आप, सारे के साथ काफी ले जाते हैं, सबका पेट्रोल फ्री है, इनका भी खत्म करे। सारे जो है ना ये आर्मी वाले पुलिस वाले जितने भी है रेंजर टोटल इनके जितना सराहने, ये भी अपने तनख्वाह से डाले, जैसे गरीब आवाम डालती है, जैसे एक सिपाही डालते हैं, ये सारी भी ऐसे डाले। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर ये चोर रहे तो हम लोग तबाही होंगे, अल्लाह इमरान खान खोले तो इंशाल्लाह सारा सिस्टम बन जाएगा।